हेलो फ्रेंड्स, आपको मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज मैं डिस्कस करूँगा जो Wbsetcl में वैकेंसीज निकले हैं उसके बारे में। तो हर जानकारी के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो शुरू करते हैं। चलिए, ये जो देखिए इम्पोर्टेंट डेट्स पहले मैं बताता हूँ आपको। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट है, शुरू हो रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन 19/12/2018 को, और लास्ट डेट है 11/1/2019, मतलब दिसंबर का 19 तारीख से शुरू हो रहा है एप्लीकेशन, और लास्ट डेट है 11 तारीख का, जनवरी का। ठीक है, तो उसके बाद देख लीजिए कितना पोस्ट है, डिटेल्स ऑफ द पोस्ट। या देखिए, पहला जो पोस्ट है, पोस्ट नंबर, पोस्ट कोड 1, स्पेशल टेक्निकल असिस्टेंट। कितना पोस्ट है, कुल मिला के 35 पोस्ट है। पे स्केल क्या है, 6,300 से 20,200। तो जो ग्रॉस पेमेंट है आपका वो है 34,030। ओके, तो यहाँ देखिए एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का कितना पोस्ट है, 37 पोस्ट है। इनका जो पे बैंड है वो है 6,300 से 20,200, और ग्रेड पे है 3,600। तो इनका जो ग्रॉस पेमेंट है वो कितना है, 25,055। ओके, तो तीन नंबर देखिए, पोस्ट कोड ऑफिस एग्जीक्यूटिव, टोटल पोस्ट है 100, पे बैंड है 6,300 से 20,200। इनका भी सेम ही है, जो सैलरी मिलेगा आपको 25,055। तो उसके बाद देखते हैं जो क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। स्पेशल टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 3 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो और वायरलेस इंजीनियरिंग। ओके, डब्ल्यू बी स्टेट काउंसिल से आपको पढ़ना चाहिए इसके लिए। ओके, अब देखिए एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए क्या मांगा गया है, क्वालिफिकेशन है जो ग्रेजुएट, हर ग्रेजुएट वाले अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, और ऑफिस एग्जीक्यूटिव के लिए भी ग्रेजुएशन मांगा गया है। ओके, और ये जो डिप्लोमा वाले के लिए, उनके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए नोट देख लीजिए क्या क्या बताया गया है। डिग्री और डिप्लोमा AICTE अप्रूव होना चाहिए। ओके, फाइनल सेमिस्टर में जो है, और डिग्री विल बी एलिजिबल टू अपियर फॉर द रिटेन टेस्ट, बट द रिजल्ट ऑफ द फाइनल एग्जामिनेशन नीड बी सबमिटेड इनवेरिएबली बिफोर द डेट ऑफ इंटरव्यू। मतलब आप जो फाइनल ईयर वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, फाइनल ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं। ओके, या मेंशन कर दिया गया है। ओके, तो देखिए एज लिमिट कितना है, एज लिमिट है 18 to 27। ओके, अब देख लीजिए पोस्ट कितना है। तो अनरिजर्व के लिए पोस्ट है 11। ओके, अनरिजर्व एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के लिए 5 है। अनरिजर्व जो जितने सारे हैं, तो देख लीजिए यहाँ कितना पोस्ट है, टोटल कुल मिला के 35 पोस्ट है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए। अनरिजर्व के लिए है 4 पोस्ट, अनरिजर्व एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के लिए 4 पोस्ट। ठीक है, जो अनरिजर्व है तो वहीं सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, एग्जेम्प्टेड कैटेगरी जो नहीं है तो वो ये मत समझना कि वो भी अनरिजर्व एग्जेम्प्टेड कैटेगरी है। ठीक है, जिनका कोई शरीर में कोई डिफेक्ट नहीं है, अगर कोई माइग्रेन नहीं है, ठीक है, तो वही अप्लाई कर सकते हैं जो अनरिजर्व्ड है उसके लिए, एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के लिए। ठीक है, अगर आप शरीर में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ओके, तो आप है अनरिजर्व, और एग्जेम्प्टेड कैटेगरी आपका कुछ प्रॉब्लम है तो वह है एग्जेम्प्टेड कैटेगरी। ओके, तो अब देखिए ऑफिस एग्जीक्यूटिव 28 पोस्ट है अनरिजर्व के लिए, लाइन्समैन के लिए 45 पोस्ट, टोटल कितना हुआ अनरिजर्व के लिए 88 पोस्ट, सब मिला के कुल मिला के कितना पोस्ट है, टोटल 322। अब देखिए सिलेक्शन कैसे होगा, यहाँ सब प्रोसीड्योर लिखा है। सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट फॉर ऑल पोस्ट विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट्स इन रिटन टेस्ट, कंप्यूटर
कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, स्टेनोग्राफी टेस्ट, जो भी है जो जो ट्रेड के लिए वही टेस्ट होगा आपके लिए। और उसके बाद क्या होगा, इंटरव्यू भी होगा, मतलब आपको पहला एग्ज़ाम होगा उसके बाद इंटरव्यू भी है इसके लिए, ठीक है। अब देखिए टेस्ट कैसे होगा, यहाँ सिलेबस बताया गया है कैसे कितना मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। तो टोटल मार्क्स है 100 मार्क्स, टोटल टाइम कितना है 60, डोमेन में मतलब आपका जो ट्रेड है ट्रेड के लिए है 60 मार्क्स, जनरल एप्टीट्यूड के लिए 20 मार्क्स, एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स जो है उनके लिए, और इंग्लिश के लिए है, इंग्लिश का भी टेस्ट होगा, ठीक है। टेक्निकल जो है और लाइन्स मैन के लिए 25 पोस्ट है, 25 नंबर है इंग्लिश से, और बेंगोली से 5 मार्क्स है। और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव ऑफिस एग्जीक्यूटिव के लिए कितना है, टोटल मार्क्स 100 है, इनके लिए भी सेम ही है जो आपका सिलेबस कैटेगरी और मार्क्स कैटेगरी जितना है। तो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, इंग्लिश में होगा, ठीक है, ये एग्ज़ाम इंग्लिश में होगा। नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स इन इंग्लिश और एंड बेंगोली और नेपाली टेस्ट, यहाँ भी है देख लीजिए। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा, टोटल मार्क्स कितना है 20 मार्क्स, टोटल टाइम 30 मिनट, ओके, क्वालिफाइंग मार्क है 8। स्टेनोग्राफी टेस्ट है, सब कुछ यहाँ बताया गया है, आप डिटेल्स देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ये PDF अपलोड किया हूँ, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। पर्सनल इंटरव्यू कितना है 25 मार्क्स का, ओके। अब देखिए कैसे अप्लाई करना होगा आपको, 19 तारीख से ये अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आज से 11 बजे से ये अप्लाई कर सकते हैं, मतलब तो हो गया है अप्लाई, अभी कर सकते हैं अभी, ठीक है, देख लीजिए। और वेबसाइट देख लीजिए, ऑफिशियल जो वेबसाइट है wbsetcl.in, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे चुका हूँ, आप देख सकते हैं जाके, वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। सब प्रोसीड्योर यहाँ बताया गया है आपको, जैसे ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हैं वैसा ही है, अलग कुछ नहीं है। आपका एक मोबाइल में OTP जाएगा, वहाँ से जैसे कर दिया, फ़ोटो अपलोड करना, उसके बाद सिग्नेचर, उसके बाद पेमेंट। तो एप्लीकेशन फ़ी कितना है वो देख लेते हैं, आ जाइए यहाँ देखते हैं, एप्लीकेशन फ़ी है 250, ओके, अनरिजर्व और OBC ए और बी के लिए, और SC ST के लिए कोई पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, ओके। SC ST जो है उनके लिए फ्री है ये, ओके। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हर रोज़ मैं ऐसे ही वीडियो लेके आता हूँ, क्वेश्चंस पेपर, करंट अफेयर्स, जॉब अपडेट्स, ओके। तो आज के लिए यही तक, बाय बाय।